नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी LDC वाले अभ्यर्थी हैं जिनका हाल ही में बैकलॉग सूची के लिए वेटिंग लिस्ट के रूप में जिन 108 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, उन 108 अभ्यर्थियों के लिए यहां पर मैं एक ख़ास अपडेट लेकर आया हूं। और ये अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए फाइनल कट ऑफ के बारे में है कि अब जो बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उस बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट में जो अंतिम कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डेटा के साथ आपको मैं कट ऑफ प्रोवाइड करूँगा। उसके आधार पर आप स्वयं भी चाहे तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अभी जो DV हुआ था दिनांक 8 व 9 जुलाई को, इस DV में 100 अभ्यर्थी तो ST के और 4 अभ्यर्थी PH कैटेगरी से इनवाइट किए गए थे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बैकलॉग में कुल 86 वैकेंट जो कि ST SC के लिए हैं और 4 वैकेंट जो कि PH वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। कुल मिलाकर 90 वैकेंट पर वेटिंग लिस्ट आने वाली हैं बैकलॉग की, जिसमें ST कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 50 सीटें हैं और SC के लिए 36 सीटें, बाकी जो 4 सीटें हैं वो PH वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। अब ST की जो 50 सीटें हैं, उन 50 सीटों पर 100 अभ्यर्थियों को DV के लिए बुलाया गया था, लेकिन लगभग 90 अभ्यर्थी ही DV के लिए पहुंच पाए हैं। तो 90 अभ्यर्थियों में से ही 50 अभ्यर्थियों का चुनाव करना होगा। उसी प्रकार से जो 36 सीटें SC की हैं, उन SC की सीटों के लिए इस अभी जो DV के लिए बुलाया गया था उस सूची में किसी भी SC के अभ्यर्थी को नहीं बुलाया गया था। तो 36 सीटों पर SC वाले अभ्यर्थी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बाकी ST वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको DV के लिए बुलाकर अब उनमें से वेटिंग लिस्ट के रूप में 50 अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर ST, SC और PH इन तीनों कैटेगरियों में 90 सीटों के लिए बैकलॉग की जो वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बारे में सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रीवियस जो वेटिंग लिस्ट थी कम से कम वो क्या थी और उससे पहले कितने कैंडिडेट पर कितनी कट ऑफ कम हुई थी। सबसे पहले आप देख लीजिए ST की जो लास्ट कट ऑफ थी 689 वाली सूची में, उस कट ऑफ में 170.0265 ये कट ऑफ ST की थी, और SC की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 186.1798 और PH वाले अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ थी वो 133.67। तो PH वाले जो 4 अभ्यर्थी हैं उनका चयन तो तय है, उनके लिए कट ऑफ के बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो ST वाले अभ्यर्थी, वो जान लीजिए कि 689 अभ्यर्थियों वाली जो सूची आई थी उस सूची में 124 ST के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, और 124 जो ST के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था उसमें कट ऑफ 2.86 मार्क्स से नीचे आ गई थी। इसी प्रकार से लगभग 200 SC के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, उसमें लगभग 4 नंबर के आसपास कट ऑफ डाउन हो गई थी। तो अब जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है बैकलॉग की, उस बैकलॉग की वेटिंग लिस्ट में क्या होने वाला है, जो 50 सीटें ST वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं, तो जो प्रीवियस कट ऑफ थी जो 124 अभ्यर्थियों के लिए 2.86 मार्क्स कम हुई थी, उसके आधार पर जो अनुमान लगाया है उससे आप देख लीजिए 50 अभ्यर्थियों के लिए मेरा जो अनुमान है लगभग 1 मार्क्स से 1.40 मार्क्स। अगर बात करें एवरेज मार्क्स की तो लगभग 1.20 मार्क्स कट ऑफ डाउन होने की संभावना पूरी पूरी है। फिर भी जो एवरेज मार्क्स हैं वो 1 से 1.40 मार्क्स इस क्राइटेरिया में जो अभ्यर्थी हैं या इस क्राइटेरिया से अंदर जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का बैकलॉग की जो सूची आने वाली है वेटिंग लिस्ट उसमें चयन हो जाएगा।
उसी प्रकार से जो एससी वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि 36 अभ्यर्थियों को इस एससी की बैकलॉग सूची में शामिल किया जाएगा, उसमें भी लगभग 0.5 से 0.9 इस कैटेगरी इस क्राइटेरिया में जो अभ्यर्थी हैं 0.5 से 0.9 इस क्राइटेरिया में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों का बैकलॉग वाली जो वेटिंग लिस्ट हैं उसमें चयन होने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। एवरेज मार्क्स मान के चले अपन 0.6 मार्क्स तक कट ऑफ पक्का डाउन हो जाएगी, तो इस क्राइटेरिया के अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन बैकलॉग वाली सूची में पक्का है। आप चाहे तो इस बात का जो अनुमान है आप स्वयं लगा लें कि 200 अभ्यर्थियों की सूची में 4 मार्क्स डाउन हुए थे, तो यहाँ पर मैं फिर भी 0.5 से 0.9 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप 200 सीट पर 4 मार्क्स का अनुमान लगाते हैं तो लगभग 1 मार्क्स से भी ज़्यादा, 1 से 1.2 मार्क्स तक कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। लेकिन इतना ज़्यादा अनुमान लगाना गलत होगा, आप सिर्फ 0.5 से 0.9 के मध्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर पक्का चांस है कि उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसके अलावा कोई खास बात नहीं है, सिर्फ कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी थी। और जैसे कल डीवी हो चुका है 8 और 9 जुलाई को, तो अब डीवी के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो अगर प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलती है तो 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में इन सभी 86+4 90 अभ्यर्थियों की जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी हो जाएगी। और अगर प्रक्रिया किसी भी प्रकार से डिले नहीं होती है तो संभवतः आप मान के चलिए कि अगस्त माह में इन बैकलॉग वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलने के आसार भी पूरे पूरे होंगे। सभी प्रकार की प्रक्रियाएँ जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इस सभी चीज़ों के लिए आप सभी को हमारे इस चैनल पर बने रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों।